अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली बिल्कुल ठीक हो, खुश हो जी, आबाद हो। तो मैं अभी किचन में आई हूँ और मैंने नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ थोड़े से स्नैक्स। एक्चुअली ये जो इस तरह की आप चीज़ें ज़्यादा देखते हैं ना, वो बनती हैं उस्मान के लिए। मेरे घर में भी एक छोटा बेबी है, उस्मान है, जो कि ये चीज़ें ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो खैर, रेगुलर बेसिस पे नहीं बनती हैं, लेकिन हफ्ते में 2-3 बार तो बन जाती हैं। अच्छा जी, मैं भी चाय रख रही हूँ और ओवन जो है ना, ये जो एयर फ्रायर और प्लस ओवन है, छोटा ओवन है, इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। कल भी आया था तो मैंने कहा चले मैं बता देती हूँ कि मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है, और जैसे हम दो लोग हैं तो दो लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मेरे पास जो है वो आपने देखा है, जो ये मेरा कुकर है जिसमें कि मैं कुकिंग करती हूँ, तो नीचे मेरे पास ये गैस का भी सारा ओवन है, तो जब मैंने ज़्यादा बेकिंग करनी हो मैं उसमें करती हूँ, और जब मैंने थोड़ी क्वांटिटी में करनी हो तब मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ी क्वांटिटी के लिए अच्छा। अगर आपकी फ़ैमिली ज़्यादा है तो फिर आप देख लीजिएगा, हम दो लोग हैं तो दो लोगों के लिए ठीक है। थोड़ा बहुत जो है वो मैं इसमें बेक कर लेती हूँ, समझे? और इसमें काफ़ी तेज़ जो है ना वो हवा चलती है, तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ, क्योंकि मैंने नेट पर भी देख लिया था, तो ये एज़ अ एयर फ्रायर भी यूज़ होता है और एज़ अ ओवन भी यूज़ होता है। तो अगर छोटी फैमिली है तो रिकमेंडेड है मेरी तरफ़ से, मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। और अगर बड़ी फैमिली है फिर मेरे ख्याल में आप बड़े ओवन की तरफ जाएं, फिर ये आपके लिए शायद सूटेबल ना हो, अच्छा ना हो आपके लिए। अच्छा जी, तो ये हो गई है चाय ख़त्म, और ये बहुत मज़े की थी इस बार, इतनी तेज़ थी ना। लेकिन मैं इस बार थोड़ा सा चेंज लाई थी, क्योंकि मैंने कहा सारी चाय जो है, टीज जो है वो ट्राई करनी चाहिए, तो फिर उसके बाद पता चलेगा। और ये जो जितने भी बैग्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं, टिन्स होते हैं, कैंस होते हैं, तो ये अलग अलग बैग्स में मैं डालती हूँ, शॉपर्स में डाल देती हूँ, फिर उसके बाद नीचे जो बड़े वाले बिन्स हैं ना उनमें जाके डाल देते हैं हम लोग, क्योंकि एक ही बार जो है ना वो मैं एक एक चीज़ के लिए नीचे नहीं जा सकती हूँ। तो शॉपर्स जो है ना वो मैं एक दिन या दो दिन छोड़ के इस तरह से रख देती हूँ बना के, फिर मैं या उस्मान हम लोग जाके और इसको नीचे बड़े वाले बिन में डाल देते हैं। आज मैंने व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट किया था दोपहर के बाद से, और दिन में वही काम वही सब कुछ चल रहा था, तो मैंने व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया। और फिर अभी जो है ना मैंने नमाज़ पढ़ी। अच्छा, आप रेड दुपट्टा देख रहे होंगे, आपको लगता होगा मैं यही सूट पहन के रहती हूँ या घूम रही होती हूँ। एक्चुअली कपड़े ना मैं बहुत कम लेकर आई थी, और जो मैं लेकर आई थी उसमें ईद के थे, मेरे एनिवर्सरी के थे, और इस तरह के कपड़े मैं लेकर आई थी जो पतले थे, क्योंकि आपको पता है मैं जुलाई में आई थी, तो मैंने कहा चलो 1-2 महीने होंगे मैं थोड़े से ये कपड़े पहन लूँगी, फिर उसके बाद मैं नए ले लूँगी या पाकिस्तान से मंगवा लूँगी। तो अब मैं इतनी ज़्यादा तंग हो रही हूँ। अब ये दुपट्टा जो है ना, ये नमाज़ के लिए मैं पहन लेती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ तो ये दुपट्टा मैं पहन लेती हूँ, इसलिए अक्सर आपको वीडियो में ये नज़र आता होगा। और कुछ जो है ना वो मेरे पास कपड़े रखे हुए हैं, मेरे ख्याल में 2-4 शायद, या 2 होंगे या 3 होंगे, इस तरह मैं लिनन के सिलवा कर भी आई थी और बाकी स्टिच करा के मैं रख के आई थी, तो अम्मी को मैंने कहा था कि आप भिजवा देना। तो देखें, इंशाल्लाह ताला, सब ने मुझे कहा था कि आप GPO जो है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, तो आप जो है ना वो उससे मंगवा लें, बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए अब मैं इंशाल्लाह ताला अम्मी को कहूँगी कि मुझे भिजवा दें पाकिस्तान से, जो कपड़े मैं सिलवा के रख के आई हूँ ना अब वो मुझे भिजवा दें, तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैंने अम्मी को कहना है। तो ये दुपट्टा मैं नमाज़ के लिए ज़्यादातर पहनती हूँ, और बड़ा है, सॉफ्ट है, लॉन का है, तो बस मैं बड़ा ईज़िली जो है ना इसको कैरी भी कर लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं होता। बाकी यहाँ से भी मैंने लिए हैं, अभी प्राइमार्क से भी मैंने लिए हैं, और जैसे शॉल्स होती हैं या ऊपर कोई भी आप इस तरह लेते हो ना, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं भी यूज़ करूँगी, लेकिन फ़िलहाल नमाज़ के लिए ये दुपट्टा बहुत अच्छा है। चाय बन गई है जी, और चाय अभी मैं बाहर लेकर जाऊँगी, उस्मान को भी दूँगी, फिर उसके बाद जी रात के खाने की तैयारी करेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं रात के खाने में क्या बनाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको चिप्स दिखा रही थी कि ये आप देखें, ये इसमें कितने अच्छे बन गए हैं। ये फ्रोज़न है, इसमें मैं कोई ऑयल ऐड नहीं करती हूँ, ख़ुद से इनमें हो तो वो एक और बात होती है। तो आप देखें इतने मज़े के क्रिस्पी रेडी हो जाते हैं, मतलब 20 से 25 मिनट लगते हैं और आराम से मज़ेदार रेडी हो जाते हैं। बर्तन सारे वॉश हो गए हैं और मैं इतनी खुश होती हूँ ना,
जब बर्तन सारे मैं वॉश कर लेती हूँ, और मैं इस टाइम पे तो सारे बर्तन जो भी रखे होते हैं कम्प्लीटली वॉश करने के बाद, फिर उसके बाद मैं खाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मूड बड़ा अच्छा हो जाता है जब ये जगह सारी साफ़ होती है और बर्तन वॉश हो जाते हैं। तो ये है जी अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैं हमेशा फ्रोज़न यूज़ करती हूँ, टमाटर, हरी मिर्च और सैलड जो है ना वो बनाऊँगी उसके लिए, प्याज हैं उसके साथ, ये है चावल, राइस मैंने भिगो के रख दिए थे ताकि जो है ना वो अच्छे बने, बहुत अच्छे बनते हैं अगर आप भिगो दें, और ये भी अब थोड़े से रह गए हैं। तो बस जी अब तैयारी करते हैं और जो है ना खाना बनाते हैं। आज रात को मैं खाने में बना रही हूँ बिरयानी, और आज ना एक्चुअली मेरा दिन काफ़ी बिजी था और मेरा दिल बड़ा चाह रहा था, काफ़ी दिनों से मैंने नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं बिरयानी बना लेती हूँ, एक तो अच्छी भी लगती है, दिल भी चाह रहा था, तो मैंने कहा बस आज बिरयानी बना लेती हूँ। और ये आप देख रहे हैं ये चॉपिंग बोर्ड्स आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये मैंने रोटी के लिए जो है ना रखा हुआ है, ये मैंने आपको दिखाया था B&M पे भी है, लेकिन ये भारी बहुत ज़्यादा, और मेरी कलाई का जो हाल है ना, तो मैं उठाती हूँ तो मुझे डर लगता है कि मुझसे टूट जाएगा, मैं इसलिए लकड़ी वाला लेना चाह रही थी। तो इसमें मैं वैसे बना लेती हूँ, इसको यूज़ तो मैं करती हूँ लेकिन थोड़ा सा मैं इसको कम यूज़ करती हूँ। मैं आई हूँ अभी आस्था पे, और सबसे मज़े की बात मुझे ना आज ये मिल गया है माइक्रोवेव का कवर, जो कि मैं कब से ढूंढ रही थी और आज फाइनली मुझे मिल गया है, अदरवाइज़ जब भी आती थी इतने अरसे में हमेशा ख़त्म मिलता था। आई एम वेरी हैप्पी ये मिल गया मुझे, बहुत माइक्रोवेव गंदा हो रहा था और अच्छा भी नहीं होता इस तरह से खाना गर्म करना। नाइस ना, एक्शन 50p, यस, वेरी लाइटवेट, नाइस ना, ओके, चेकिंग, टी एंड शुगर पॉप्स। उस्मान मैंने आपको एक चीज दिखानी थी, यहाँ रसमलाई एंड गुलाब जामुन। हल्दी मिल गई। अच्छा एक मुझे सॉस लेना है, अभी तो सेम नहीं, मुझे सेंड की थी इंस्टा पे कि ये वाली ना, ये वाली आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और ये मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ, देख रही हूँ, तो मैंने कभी ट्राई नहीं की, और मुझे ये कहा था कि आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और मैं एक बार वो चीज़ ज़रूर ट्राई करती हूँ, मैं पूछती हूँ। फाइनली मुझे मिल गया, लेकिन उस्मान कह रहे हैं कि फुल फैट लेनी है ताकि मैं ऐसे ही कायम दायम रहूँ। चलें फिर फुल फैट ले लेते हैं। प्राइजेस सबकी सेम है, सेम ही है, लेकिन उस्मान कह रहे हैं ये वाली लो, फुल फैट लो, ठीक है बस ले लेते हैं, ठीक है चलें इस बार ये ट्राई कर लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम ये ट्राई करूँगी, सेम ही है। पूरा टेस्ट आएगा। ओ मेरे थके हुए शहजादे, मेरे थके हुए शहजादे। समन केक। अच्छा वेजिटेरियन है, ठीक है। आई नो। ओके मैंने एग्स भी ले लिए, एग्स मैंने एहतियातन ले लिए। ये सेक्शन जी उस्मान आए अपनी चीज़ें देखने के लिए, उस्मान को लंच में भी दे देती हूँ, और वैसे भी चाय के साथ ले लेते हैं, लेकिन लंच में जो है ना वो चीज़ें ये लेके जाते हैं। आज खाया था जो मैंने केक दिया था उस्मान, केक खाया था जो आज दिया था मैंने। बिजी हैं ये देखें। इनको कहें आइंदा चीनी वाला रखा करें, उस्मान को पसंद नहीं है नो शुगर, आइंदा चीनी वाला दिया करें, ठीक है। इसके ऊपर शुगर नहीं है, इसमें शुगर, उसमें शुगर नहीं है, ले सकते हैं आप, दो नहीं ले रही है, एक बताएं। ये देखें ये मैं दिखा दूँ वेजिटेरियन। अच्छा बताएं आप, फिर बता रहा हूँ, दो नहीं लो, फिर अपनी मर्जी से ले लो, एक लो, आपकी फेवरेट ठीक है, आपकी फेवरेट है वनीला, वनीला वनीला वनीला, चले अगेन वनीला, चलें टमाटर लूं, चलें लेट्स गो। आज हमें कुछ 3 महीने बाद ना बैग उठा के बस ट्रॉली छोड़ दें, इधर ही गाड़ी सामने ही है, बैग उठा लें और ट्रॉली यहीं छोड़ दें,
आज मैं किसी और की ट्रॉली लेके चली गई, वो मेरे पीछे ही भाग रहे थे। ऑकवर्ड व्लॉग बनाने में सच में ऑकवर्ड सिचुएशन। और आज मैं इतनी पैक होके आई हुई हूँ ना, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ ना तो मुझे यहाँ पे माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, मेरा सर पकड़ा जाता है। तो आज मैं फुल कैप करके आई हूँ, क्योंकि इतनी गर्म है कि मुझे अंदर पसीने आने लग गए थे। बट शुक्र है कि सुकून जो है ना, सुकून से रही हूँ। अच्छा, किसी और की जा रही है। हम लोग ग्रॉसरी करके घर आ गए, थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। सबसे ज़्यादा जो मेन मैंने चीज़ लेनी थी ना, एक तो मैंने लेना था हल्दी, ख़त्म थी, हल्दी लेनी थी। और दो चार दिन से मैं सोच रही थी, मैं समझ रही थी मेरे पास रखी हुई है, क्योंकि काफ़ी सारे मसाले मैं लेकर आई थी और पाकिस्तान से भी मैं ले आई थी, तो हल्दी तो काफ़ी ज़्यादा चलती है। लेकिन जब मैंने देखा तो हल्दी मेरे पास नहीं थी, तो इस वजह से हल्दी मैंने लेनी थी। और मैंने देख लिया था ऐप जो की होती है ना, ऐप पर हर चीज़ आ रही होती है, तो मैंने देख लिया था कि आस्था पे है, तो मैंने कहा क्या इतने दूर मैं अब स्ट्रॉबेरी गार्डन जाऊँ, तो यहीं से ले लेती हूँ। तो वो मैंने लेनी थी, और दो चार मैंने और चीज़ें लेनी थी, तो बस वो मैंने ली। और कुछ एहतियातन मैं ले लेती हूँ, क्योंकि इतना भी घर के करीब नहीं है कि मुझे पैदल जाना, उस्मान होते हैं तो गाड़ी पे ही जाते हैं, तो इस वजह से मैं एहतियातन चीज़ें लेके रख लेती हूँ। अच्छा जी, बिरयानी को मैंने दम लगाया तकरीबन आधा घंटा तो मैंने लगाया, क्योंकि चावल मैंने ज़रा ज़्यादा सख्त रखे थे और बिरयानी को दम ज़्यादा लगाएं तो टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो ये देखें आप, ये हो गई है रेडी, और अभी हम बिरयानी खाएंगे। अच्छा, मुझे काफ़ी कमेंट्स ये भी आते हैं कि बिरयानी के साथ अंडे कौन खाता है। तो देखें, बात ऐसे होती है ना कि हर इंसान की पसंद नापसंद, मतलब हर बंदा इंडिविजुअली पसंद नापसंद रखता है, और हम लोग खाते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, तो किसी को नहीं भी अच्छे लगते होंगे। और मैं आपको बताऊँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम कहाँ खाई थी, मैंने खाई थी एक बिरयानी जो कि एक शेफ़ ने बनाई थी, और जैसे वो होती है ना देगी टाइप की बिरयानी, तो उसमें अंडे काट के डाले हुए थे, तब से मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और मैं अंडे जो है ना तब से हमेशा बिरयानी के साथ रखती हूँ। तो वो प्रॉपर बिरयानी उन्होंने बनाई थी, और वो शेफ़ थे, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन बस उनके हाथ की मैंने खाई थी, और उसके बाद से ना बस अंडे जो है ना वो लाजिम हो गए हैं बिरयानी के साथ, तो हमें अच्छे लगते हैं, हो सकता है आपको ना भी अच्छे लगें, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को आलू बहुत अच्छे लगते हैं, तो कभी कभी हम भी वो डालते हैं, लेकिन यह है कि एग्स तो लाजमी ज़रूरी मैं बॉयल करती हूँ। और आज बिरयानी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, आप देख सकते हैं, मैंने सारी मिक्स नहीं की है, मसाले थोड़े से कम रखे हैं। अब किसी को ज़्यादा मसाले वाली बिरयानी अच्छी लगती है, किसी को थोड़ी हल्की हल्की अच्छी लगती है, तो मैंने अभी पूरी मिक्स नहीं की और मसाले मैं कम रखती हूँ। अच्छा, बहुत सारे ये भी कमेंट्स आते हैं कि आप हरी मिर्चें ऊपर क्यों डालती हैं, उसका रीज़न ये है कि अंदर डाल दो तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, मिर्चें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और मेरे हस्बैंड को और मुझे, हम दोनों को वैसे हरी मिर्चें मना हैं, तो हम लोग डालते तो ज़रूर हैं, क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट तो बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ी बहुत खा भी लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में डालें तो सालन जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, और दूसरा ये है कि तेज़ होने के साथ साथ ना फिर वो हरी मिर्च का मज़ा ही ख़राब हो जाता है, तो जब एंड में डालें तो उसका जो टेस्ट होता है, अरोमा होता है, और जो खिली खिली होती है ना, मुझे वो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। और हरी मिर्चें मना किसी रीज़न की वजह से की हुई है हम दोनों को, मतलब मैंने आपको उस्मान का बताया था कि वो काफ़ी बीमार हो गए थे, तो तब डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था, मिर्चें जितनी भी हैं लाल हैं हरी हैं, उन्होंने कहा हरी भी अच्छी नहीं है उनके लिए, और मुझे भी थोड़ा सा स्टमक का प्रॉब्लम था, तो इस वजह से मुझे भी मना की, तो बस वो आहिस्ता आहिस्ता अब आदत ही बन गई। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियोस, होप्स हो कि ये चीज़ें भी मैंने क्लियर कर दी होंगी आज आपके माइंड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और मेरा तो यही है कि जिए, लोगों को भी जीने दें। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।